सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जहां दो दिन कबल कायम हुई कांग्रेस हुकूमत के जश्न का भी असर देखने को मिला और साथ ही खसूस कर ख्वातीन में जोश व खरोश नज़र आया। वाज़ेह हो कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के सिर्फ दो दिनों में ही चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी ने तमाम रियासत में ख्वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत और राजीव आरोग्यश्री के तहत इलाज के लिए 10 लाख तक की सहूलत के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस ज़िमन में महिला कांग्रेस की नायब सदर मोहतरमा शहनाज बेगम ने अक्स टीवी पर अपने ख्याल का इजहार किया। आइए जानते हैं मोहतरमा शहनाज बेगम ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज बेगम, महिला कांग्रेस स्टेट वाइस प्रेजिडेंट। आज आपके सामने सोनिया अम्मा की आज बर्थडे है। इस खुशी के मौके पर आज हमारे 6 स्कीम में से 2 स्कीम पूरे किए गए हैं। इसकी हमको बहुत ज़्यादा खुशी मसरत हो रही है और हम इसी तरह और 4 स्कीम भी पूरे करेंगे और आगे हम अपने पूरे वादे पूरे करेंगे। जैसा कि KCR जो वादे करते हैं, हर वादा झूठा, झूठे वादे कर किसी को कुछ नहीं करे सिवाय अपना घर भरने के। आज हम कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और आगे भी गरीबों के साथ थी, अभी भी गरीबों के साथ रहेंगी। हम आवाम का हर चीज़ से अच्छे हर वादे पूरे करेंगे और आज हमारा बहुत बड़ी खुशी का दिन है। इस खुशी के मौके में जो है सो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया अम्मा, रेवंत रेड्डी जी, सुनीता मैडम, हम इन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। खुदा हाफिज़।